हेलो, हमारा न्यूज़ चैनल न्यूज़ बीट में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। बहाने नहीं, जो भी जिम्मेदार उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ, बीरभूम हिंसा पर बोली ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बीरभूम जिले के बोकटुई गांव के दौरे पर पहुंची। इस दौरान ममता ने कहा कि बहाने नहीं, जो भी जिम्मेदार है उनकी गिरफ्तारी चाहती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आधुनिक बंगाल में इतनी बड़बड़ता हो सकती है। माँ और बच्चे मारे गए, एक बड़ी साजिश और का आरोप लगाते हुए उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही। साथ ही कहा कि पुलिस सभी एंगल से हत्या के कारणों की जांच करेगी। वही एक शीर्ष पुलिस अधिकारी को बुलाकर उन्होंने कहा कि शिकायतों के जवाब में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाना चाहिए। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मैं चाहती हूं कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिसकर्मियों को चूक के लिए दंडित किया जाए। गवाहों को संभावित हमलों से पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए। वही जिनके घर जलाए गए हैं, ममता बनर्जी ने उनके घरों की मरम्मत के लिए 1 लाख देने की बात भी कही। साथ ही पीड़ित परिवारों को नौकरी देने का दावा भी किया। बता दें कि बोगडुई गांव में मंगलवार को कथित तौर पर कुछ मकानों में आग लगा दी गई थी, जिसमें 8 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के बोगटुई गांव में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जहां इस सप्ताह की शुरुआत में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 लोगों को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता चौधरी और पार्टी के अन्य सदस्यों को बीरभूम जिले में स्थित गाँव के पास श्रीनिकेतन मोड़ पर रोक दिया गया, जिसके बाद वे सड़क पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि उन्हें गांव का दौरा करने और मृतकों के परिजनों से मिलने की अनुमति दी जाए। दैट इज ऑल फॉर आवर न्यूज़ टुडे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। गुड डे।